तो आज की हमारी इस क्लास में हम एडवांस एक्सेल की बात कर रहे हैं। आप एडवांस एक्सेल की हमारी ये दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम थोड़ी सी बेसिक थोड़ा सा एडवांस यू पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे फाइल मेनू बार की बात करें तो फाइल मेनू बार में आखिर कुछ नया नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आप सीख सकते हैं। चलिए इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले होम में बात करें तो होम में जनरली आपके फाइल लिस्ट होते हैं, उसके अलावा आपके लिस्ट होते हैं रिसेंटली ओपन फाइल। इसमें एक पिन का लिस्ट होता है, अब ये आपका ओपन में भी ये चीज़ मिलता है। पिन क्या होता है जान लीजिए, जैसे कि ये जो रिसेंटली वर्कबुक आप देख रहे हैं वो क्या है कि ये एवरी डे चेंज होता है। जैसे जैसे आप फाइल ओपन करेंगे ऐसे ऐसे ये शिफ्ट होता जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर फाइल को हमें बहुत बार ओपन करना पड़ता है। एक दो फाइल ऐसे हैं जो कि आपको फ्रिक्वेंसली उसको ओपन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए डाउनलोड ऐप वाली फाइल है, मुझे इसको फ्रिक्वेंसली ओपन करना पड़ता है, तो मैंने इसको पिन कर दिया। तो पिन करने के बाद ये सबसे टॉप पे आ गया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से हटेगा नहीं, ये यहीं पे फिक्स रहेगा एवरी डे एवरी टाइम। तो आपको ओपन फाइल ओपन जो करना होगा तो इसको आपको उसके लोकेशन में या उसके फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पिन का फीचर होता है, राइट? यस। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इस तरह से फोल्डर को भी पिन कर सकते हैं आप। फोल्डर लिस्ट भी होता है, ई लिस्ट भी होता है। तो न्यू में क्या है कि लिस्ट को इसमें होम में लिस्ट को अलग अलग कैटेगरी कर दिया, पहला दूसरा और शेयर बिटवीन, मतलब जो आपको मेल के जरिए शेयर किया है उस शेयर में आएगा। पिन करने के लिए का ऑप्शन है? अच्छा, पिन, ओके। हाँ, मतलब कि जैसे नहीं, यहाँ पिन का ऑप्शन आता है, क्लिक कर दीजिए, पिन हो जाएगा। ठीक है, जो पिन होगा उसमें पिन का निशान होगा। अब इसमें न्यू का ऑप्शन एक आता है। देखिए न्यू में के अंदर क्या है कि बहुत सारे टैम्पलेट्स हैं आपके, न्यू वर्क जन लेते ही हैं, उसके अलावा बहुत सारे बड़े बनाए टैम्पलेट्स, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसे मान लीजिए कि आपको एक इनवाइस का फॉर्मेट तैयार करना, एक बिल बनाना है, तो बिल को सर्च करें आप और यहाँ बिल का ऑप्शन आ गया, बहुत से इनवाइसेस दिख गए। अब जो इनवाइसेस आप तो आपके रिक्वायरमेंट को फिट बैठता है, उस इनवाइसेस की फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मुझे इसका ये अच्छा लग रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए, क्रिएट कर दीजिए, आपका बड़ा बड़ा फॉर्मेट आ जाएगा। बस अपने डिटेल्स को चेंज कीजिए एंड इसको यूज कीजिए आराम से। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको बैलेंस शीट बनाने का बोला गया, बट यू आर नॉट अकाउंट फ्रॉम द अकाउंट टीम, आपको बैलेंस के बारे में पता नहीं है, तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट सर्च कीजिए, तो बैलेंस शीट के काफ़ी यहाँ पे दिख गया, आ गया। तो जो बैलेंस शीट आपके सुटेबल लग रहा है उसको देखिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसी को यूज कीजिए, बट इससे क्या होता है, हमें आइडिया मिल जाता है कि बैलेंस शीट कुछ इस तरह का होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि असेस्ट हो गया, लायबिलिटीज हो गई या कैटेगरी हो गया, तो जो जो यहाँ पे फिल करेंगे समरी में आपको यहाँ दिख जाएगा। इसके अलावा टैम्पलेट आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। अब खुद तैयार करने का रीजन क्या है, तो चलिए बात करते हैं। जब आप कोई नया फाइल ओपन करते हैं, ठीक है, जब भी कोई नई रिपोर्ट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि पिछली रिपोर्ट, जो पिछला रिपोर्ट है आपका, उस पिछले रिपोर्ट को आप सेव एज करते हैं नया रिपोर्ट से, और फिर उसके पीछे की पूरी डिटेल्स को, पूरी हर एक चीज़ को डिलीट कर देते हैं और फिर से नया उसमें डालते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे ये चीज़ें आप कर सकते हो कि आप टैम्पलेट क्रिएट करो। तो आपके सामने एक टैम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ, एक कैश रिपोर्ट डिपॉजिट का मैं टैम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ। तो टैम्पलेट से क्या होता है कि हर बार आपका फॉर्मेट सेम होगा एवरी डे एवरी टाइम। मैं टाइटल दे दिया, टाइटल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ से, उसके बाद मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ यहाँ पे लोकेशन, लोकेशंस को हमने लिया और यहाँ नीचे अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ से ये वाली ऊपर बॉटम लाइन में, और यहाँ पे हम दे देते हैं डेट
और डेट को भी अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, पर्सन, डेबिट, करेक्ट, बैलेंस, ये हमने अपने लेजेंड बना लिए। और यहाँ पे हमने यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम टोटल बॉर्डर दे देता हूँ और यहाँ पे टोटल। फिर नीचे एक छोटा सा हम दे देते हैं यहाँ पे ऑथराइज बाय, और यहाँ पे हम बदलते हैं चेक बाय, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम लाइन और यहाँ भी बॉटम लाइन दे देते हैं। और इसको बेटर दिखाने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, पेज लेआउट में जाते हैं और यहाँ से ग्रिड लाइन को अनचेक कर देते हैं, ओके। अब मुझे हर दिन इसमें अपना डिटेल फिल करना होता है, तो एवरी डे क्या करते हैं, इसको सेव करके फिर इसमें जो पहले से डली रिपोर्ट को हम हटाते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप इसको सेव एज कर दें टेम्पलेट, यहाँ से वर्कबुक के जगह पे आप यहाँ पे ले लें एक्सेल टैम्पलेट, लोकेशंस रखें और यहाँ पे जो भी देना है इसमें कैश डाल दें एंड सेव, इसको क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम ये जरूरत होगी तो देखिए, अब कैश का सैम्बल भी बदल गया ना सर, राइट। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो देखिए कैश वन ओपन होगा, देन कैश टू, कैश थ्री, कैश फोर, कैश सुना है ना, जैसे बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, बुक फोर, तो एवरी टाइम आपको एक नया ब्लैंक फॉर्मेट मिलेगा। तो आप जो डेली बेसिस में रिपोर्ट बनाते हैं तो इसी तरह से उसको ब्लैंक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सुटेबल हो, ताकि अगर मान लीजिए जिस दिन आप नहीं है, अगर कोई और बैठा है आपके सिस्टम पे, तो उसको आप इजीली समझा सकते हैं कि भाई उस रिपोर्ट वाले फोल्डर में चले जाओ, जितने ये फॉर्मेट है सारे की रिपोर्ट बना लें, ठीक है। उसके बाद फाइल में आते हैं। अब हमने ओपन वगैरह तो नॉर्मल है, इन्फो के अंदर में आपको फाइल की इन्फॉर्मेशन होती है। अब फाइल की इन्फॉर्मेशन से ही बात पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर फाइल के बारे में जाने कैसे। जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए ना कि मेरे पास ये डाउनलोड है, डाउनलोड में बहुत सारे फाइल, अब डेटा वन को ही लेते हैं। अब डेटा वन से पता चल पा रहा है, ये पता चल रहा है कि किसने बनाया, ऑथर सुजीत कुमार है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है, कब बना है, कितना साइज है, इतना पता चल रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है पता चल रहा है सर? जब तक मैं इसको ओपन ना करूंगा, डेटा को देखूंगा नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा, करेक्ट। तो आप यहाँ पे चीज कर सकते हैं कि आप इस पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पे चलेगा, और प्रॉपर्टीज में यहां जो आप जो है डाल दीजिए या माफ कीजिएगा, इधर ये नेम हो गया ना, प्रॉपर्टीज के अंदर डिटेल्स में जाना है, डिटेल्स, और टाइटल्स में डाल दीजिए कि दिस इज प्यूवर्ट सैंपल डेटा, और यहां पे सब्जेक्ट डाल दीजिए, टैग्स डाल दीजिए कि किस किस कीवर्ड्स इसको सर्च कर सकते हैं वगैरह वगैरह डाल के अप्लाई कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। अब मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश। अब देखिए इसमें कर्सर ले जाऊँगा, दिख रहा है टाइटल, दिस इज अ सैंपल डेटा, सैंपल पिवट डेटा, ओके। तो अब मुझे इस फाइल को खोलने की जरूरत नहीं है। तो इसका यूज अब हर फाइल पे तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई ऐसा फाइल आप बनाते हो, आपको लगते हो कि फ्यूचर में इसका यूज होगा और ढूंढने में दिक्कत होगी आपको, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइटल या कुछ भी नाम दे, जी ठीक है। अब फाइल को सेव करते हैं, तो सेव है जो आज पा जाते हैं, यहाँ से लोग ब्राउज पर मोड पे जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले फाइल नेम बाय डिफॉल्ट जो होगा बुक वन बुक टू आता है, सेव एज टाइप। तो याद रखिएगा एक्सेल वर्कबुक में फाइल को सेव करते हैं, इसका मतलब है कि आपने इसको डॉट एक्सेलस एक्स पे सेव किया है, एक्सेलस एक्स के ऊपर
सेव किया है। अगर इसके अंदर किसी तरह की माइक्रो हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सेल वर्कबुक है, मतलब कि एक्सेलस एक्स है, वो किसी भी तरह के माइक्रो फाइल को कैरी नहीं करता, ठीक है सर? यस। तो अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगा कि इसके अंदर कोडिंग वगैरह है, तो आप फाइल को सेव इसमें करें, माइक्रो एनेबल वर्कबुक इसमें सेव कर, राइट? तो अब ऐसा नहीं है कि माइक्रो एनेबल वर्कबुक में एक्सेल फाइल ही सिर्फ मैं कोडिंग ही सेव कर सकते, इसमें आप नॉर्मल डेटा भी सेव कर सकते हो, लेकिन इसमें एक कोडिंग भी एक्सेप्ट करता है। कभी कभी आपके पास बहुत बड़ी फाइल होती है, डेटा फाइल, जिसको डंप फाइल वगैरह भी आप लोग मास्टर फाइल डंप फाइल भी बोलते हैं, और जब भी उस फाइल को आप यूज करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा वो हैंग करता है और कैलकुलेशन परसेंटेज वगैरह दिखाता है। तो उस फाइल को आप अगर एक्सेल वैल्यू वर्कबुक में सेव कर दोगे तो इतने का तो पूरी तरह से हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन पहले के मुकाबले कुछ परसेंटेज 30-40% आपकी साइज रिड्यूस हो जाएगी और आपका बेटर होगा। लेकिन सिर्फ डेटा वो कीजिएगा, रिपोर्ट या चार्ट या फॉर्मूला वगैरह होगा उसको नहीं कीजिएगा। उसके बाद नॉर्मल प्रिंट है, आप शेयर कर सकते हैं इसको वन ड्राइव में, मेल पे खास नहीं है, पब्लिश पावर बी आई में कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इसको पीडीएफ वगैरह में निकाल सकते हैं, अकाउंट में अपनी जो माइक्रोसॉफ्ट की जो लॉगिन अकाउंट है उसको लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ ऑप्शन पे आते हैं, अब ऑप्शन के अंदर छोटे मोटे चेंजिंग है उसके बारे में जान लीजिए। लेकिन कुछ लोग पूछ देते हैं कि सर पहली क्लास में या दूसरी क्लास में आप एक्सेल की सेटिंग पढ़ा रहे हो, क्यों? ऐसा इसलिए कि जब भी हम कोई नया डिवाइस लेते हैं, जब भी कोई नया डिवाइस लेते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, उसकी मोड उसको अपने हिसाब से सेट करते हैं। जैसे फ़ोन ही ले लीजिए तो आप उसका वॉलपेपर, रिंगटोन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं ना। तो सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे इसको लिया हूँ तो इसको भी मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूँ। तो इसमें कोई खास चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके सीख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्क्रीन टिप्स, जैसे किसी भी फॉर्मूला, किसी भी शॉर्टकट के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो कर्सर रखिए, आपको उसके नीचे टॉपिक आ जाएगा। आ गया ना? तो ये जो हम लोग जब ये लेते हैं, मतलब कि इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, तो इस चीज को हटा देते हैं ताकि बंदा जो है एक रियल इन्फॉर्मेशन मुझे मिले। तो ये चीज़ें एक्सेल ऑप्शन से हटती है, एक्सेल ऑप्शंस, और यहाँ पे आप आ जाइए जनरल के अंदर भी, डोंट शो स्क्रीन टिप्स। फिर आपका फॉन्ट बाय डिफॉल्ट आपका कैलिबरी होता है, आप अपने हिसाब से अपना फॉन्ट यूज कर सकते हो। ठीक है? यस। फॉन्ट की साइज है, नॉर्मल व्यूअर्स आपका ये नंबर ऑफ सीट जब ओपन करेंगे तो कितना होना चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका यूजर नेम, ठीक है? यूजर नेम में क्या होता है, जैसे कि अभी आपने देखा था कि जब मैं इस पर कर्सर रखा तो बता दिया कि भाई इसको इसका ऑथर कौन है। तो मान लीजिए कोई फाइल वगैरह किसी को आप भेजते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा मतलब कि ये छुपा सकता है, मेरा मुझे पता चल जाए कि हाँ सामने वाला, अब मुझे सामने वाला बंदा जो भी खोले तो पता चले कि हाँ मेरा ये मेरी फाइल है, ठीक है? सामने वाला बंदा को पता चले कि हाँ फाइल किसने बनाया है। ओके ओके। तो यहाँ ऑथर नेम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ओके। और कभी कभी क्या होता है कि आप अपना ये थीम जो है, जैसे कलरफुल थीम है, तो जैसे मैंने इसको कर दिया मान लीजिए ब्लैक, ठीक है? अब देखिए पूरा ब्लैक हो गया, नेक्स्ट स्किल।
तो इस तरह का मान लो किसी का एक्सेल इस तरह का देखे तो आप ये मत समझे कि ये कोई और एक्सेल तो नहीं यूज कर रहा है, इसे थेम चेंज कर रखा है। ओके ठीक है ना, मैं कलरफुल करके वापस ओके कर देता हूँ। ओके हेलो, हेलो क्या है आपको? चलिए। हाँ तो यहाँ एक्सेल ऑप्शन पे आते हैं वापस, बाकी आपका इसमें फॉर्मूला है तो फॉर्मूला में से कि R1C1 स्टाइल डाल सकते हैं, जो वन ABCD दिख रहा है उसको 1 2 3 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी नॉर्मल चीज़ें इसमें कोई खास है नहीं। प्रूफिंग में आप ऑटो करेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बना रखा है कि मैं एक्सेल पे अगर DS लिखूंगा तो डेली सेल्स पूर्ण हो जाएगा। मान लीजिए मुझे एक्सेल पे कुछ ऐसा लिखूं जैसे DL लिखूं तो न्यू डेली हो जाए। तो यहाँ पे हमने न्यू डेली हमने यहाँ पे बना दिया और इसको ऐड कर दिया। ओके, ऑटो करेक्शन। हाँ इसको ऐड कर दिया, देन ओके। अब मैं किसी भी एक्सेल पर DL लिख के स्पेस मारूंगा तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। इस तरह के जो बड़े बड़े सेंटेंस हैं जो बार बार आप यूज करते हो वो प्रूफिंग के ऑटो करेक्ट में आप बना सकते हो। ओके इस तरह से सेव पे आते हैं आप, तो आपका सेव है। इसमें क्या है आपका कि आपका फाइल का डिफॉल्ट फाइल टाइप क्या होगा, आपका फाइल का लोकेशन डिफॉल्ट क्या होगा। जब जब भी सेव करते हैं तो माई डॉक्यूमेंट शो करता है ना, राइट। लेकिन एवरी टाइम हम लोग माई डॉक्यूमेंट सेव नहीं करते, मोस्टली हम सेव नहीं करते हैं। यहाँ पे अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस में आते हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि एंटर मारने पे डाउन होता है कर्सर, होता है ना सर? तो आप यहाँ से डाउन की जगह राइट अप लेफ्ट कर सकते हैं। ओके 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 सर। या उसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू डेसिमल प्लेस, मतलब कि 100 लिखेंगे तो 1 दिखाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा, जो भी नंबर लिखेंगे 100 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम चेक कर देंगे तो आप ड्रैग नहीं कर सकते, ड्रैगिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, सीट टैब, ये सब ला सकते हैं, हटा सकते हैं जो दिख रहा है आपको ना, टैब वगैरह, सीट के नेम वगैरह आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब मान लो किसी फाइल कोई फाइल मिला आपको तो उसमें आप देखेंगे कि आपका ABCD 1 2 3 का हेडिंग नहीं है या फिर स्क्रॉल नहीं है या सीट नेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसने सेटिंग्स हटा दिया है। ठीक है, सेम ऐसे ही कॉलम हेडर हो गया, लेफ्ट टू राइट करना है, पेज ब्रेक है, आप जीरो को शो नहीं करवाना चाहते हो तो जीरो वैल्यू है तो ब्लैंक दिखे शो ना हो तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब एक ग्रिड लाइन का कलर ग्रे है, आप चाहो तो ग्रिड लाइन कलर डार्क ब्रेक ब्लैक डाल दो यहाँ पे। ठीक है सर, ओके। तो इस तरह की सेटिंग्स आप कर सकते हैं एडवांस। अब एडवांस में जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है आपका जो एक बार देख लीजिएगा, छोटी मोटी चीज़ है आपको खुद समझ में आएगा, कस्टम लिस्ट। अब कस्टम लिस्ट में क्या है कि मेरे पास एक टीम का लिस्ट है, उसको बराबर मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो मैं बार बार कॉपी पेस्ट ना करके यहीं पे लिस्ट जनरेट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ पूजा, मोहन, कविता, रवि, राजू, देव, नीरज, ठीक है, हमने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद ओके करता हूँ। अब मैं किसी भी सीट पे जाऊँगा, अगर मैंने पूजा लिख दिया, देव कोई भी नाम लिख के ड्रैग करेंगे तो आप नीचे देखेंगे। ओके बड़े डबल डबल आ गया।
हाँ रिपीट हो जाएगा ना सर, प्रिया खत्म हो गया यहाँ पे, अच्छा ओके okay. फिर वापस ये हो जाएगा। अच्छा थोड़ी जितना लिस्ट होता है, अब मान लीजिए जैन लिखते हैं ना आप, ड्रैग करते हैं, तो जैन फैब से दिसंबर तक आता है, दिसंबर के बाद वापस जनवरी आ गया ना सर। ओके ठीक है राइट, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है तो ये एक्सेल के अंदर हम कस्टम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के लिस्ट आप भी बना सकते हैं। उसके बाद कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज लिस्ट रिबन है, इसमें से कोई मेनू बार में कोई चीज़ नहीं है तो आप यहाँ से ला सकते हो। यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कमांड इन नॉट अ रिबन है, इतने सारे ऑप्शन जो कि ऊपर नहीं है। क्या सर इसको इस पर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, तो कोई भी मेनू बार को हटा सकते ला सकते। क्विक एक्सेस बार जो आप देख रहे हैं ऊपर, जैसे कि यहाँ पे ऊपर देखते हैं ना सेव अंडो रीडो, ये यहाँ से आता है। ठीक है ओके, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक बॉर्डर का ऑल बॉर्डर का ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी कमांड ऑल कमांड ऑटो फिल्टर ऑटो फॉर्मेट ऑटो फॉर्मेट मारे ऑटो फॉर्मेट ही लेते हैं, ऊपर ऑटो फॉर्मेट आ गया। अब इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको ऑटो फॉर्मेट कर दीजिए, यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट दिखेंगे, जो फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट। ओके ठीक है तो ये तो हमारा फाइल मेनू बार था जो कि मैंने समझा दिया। एक बार अपने एंड से देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें मैंने छोड़ दी है, तो अगर आपको लगेगा कि हाँ इसमें ठीक ठीक सीखने लायक है तो आप कर सकते हैं। ठीक है ठीक, और